हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं ये कक्षा 10वीं से रिलेटेड है, और ये जो पोएम है ये इसका नाम है द लोटस, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आज का जो टॉपिक है ये कक्षा 10वीं से रिलेटेड, तो अगर आप 12वीं के बच्चे हैं तो आप दूसरे लेक्चर्स को देखें और इस लेक्चर को यहीं आप छोड़ दें। इस पोएम का नाम है द लोटस, जिसका मतलब होता है कमल। यह जो पोएम है, ये जो कविता है, ये कमल के बारे में है, और ये लिखी किन के द्वारा गई है? ये लिखी गई है टोरू दत्त के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई है? टोरू दत्त के द्वारा, जो कि इंडिया की बहुत ही एक फेमस पोइट है, इंडिया की बहुत ही फेमस कवियत्री है। अब यहां पर क्या होता है, यहां ध्यान देना आपको। लव केम टू फ्लोरा, सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। लव जो है वो फ्लोरा के पास आए एक फूल के बारे में पूछने के लिए, आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जिसको ऐसा फूल घोषित किया जाए किसी एक, मतलब वो ऐसे फूल के लिए गए जो कि बिना किसी विवाद के फूलों में सबसे क्वीन कहा जाए, मतलब जिसको फूलों की रानी कहा जाए, तो ऐसा फूल मांगने के लिए ही आए। किन के पास आए? लव आए फ्लोरा के पास। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई लव क्या है? सर यहां लव का मतलब प्यार नहीं है, यहां लव का मतलब है क्यूपिड। जो क्यूपिड कौन है? गॉड ऑफ लव। क्यूपिड कौन है? गॉड ऑफ लव। वो भाई गॉड ऑफ लव उनको कहां माना गया है? इन रोमन माइथोलॉजी, मतलब रोम की पौराणिक कथाओं के अंदर जो क्यूपिड जो देवता है उनका क्या नाम बोला गया है? लव, जो कि किनके पास आता है? फ्लोरा के पास। फ्लोरा कौन है? डियर ये फ्लोरा जो है वो है आपके गॉडेस ऑफ वेजिटेशन एंड फ्लावर्स, मतलब वनस्पति एवं फूलों की जो देवी है उनका नाम है क्या? फ्लोरा। तो लव आए फ्लोरा के पास क्या पूछने के लिए? कि भाई ऐसा कौन सा फूल है जो कि जिसको फूलों की रानी माना जाए, कि भाई मुझे आप बताओ। द लिली एंड द रोज, क्या भाई लिली या फिर रोज? लिली यानी सफेद फूल होता है डियर, ये सफेद फूल होता है जिसका जो कि सीधा खड़ा रहता है, और एक होता है एंड द रोज, मतलब कि गुलाब का फूल। द लिली एंड द रोज, जिसको लिली को भाई देवे हिंदी में क्या बोलते हैं? कुमुदिनी का। क्या बोलते हैं? कुमुदिनी का फूल। और रोज का तो आपको पता ही है, अभी वैलेंटाइन डे गया है, गुलाब का फूल। लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, जो कि सदियों से, मतलब कई कई मतलब बहुत पुराने टाइम से ये एक कंपटीशन चलता आ रहा है कि भाई लिली अच्छी है या फिर रोज अच्छा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फाइनल होता है। और राइवल्स का मतलब यहां पर डियर आपको बहुत ध्यान देना है, राइवल्स का मतलब होता है राइवल्स। राइवल्स मीन्स व्हाट हो गया? कॉम्पिटिटर्स और ओपोनेंट्स, मतलब जो कि प्रतिद्वंदी, हिंदी में बोल सकते हैं आप, मतलब जो कि एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं। तो यहां पर किनके बीच में कॉम्पिटिशन है? लिली एंड द रोज। अब यहां पर और आपको किस बात पर ध्यान देना है? अनडिस्प्यूटेड, इसका मतलब है विदाउट एनी डिस्प्यूट डाउट, मतलब बिना किसी शंका के, बिना किसी विवाद के। नेक्स्ट इज व्हाट? लिली अ फ्लावर ऑफ व्हाइट कलर, एक सफेद कलर का फूल। रोज अ फ्लावर ऑफ रेड कलर, आप सबको पता ही अच्छे से ये। नेक्स्ट इज व्हाट? टोरू दत्त। टोरू दत्त कौन थी? इस पोएम की पोइट है, मतलब इस कविता की कवि कौन, इस कविता की कवियत्री कौन है? इस कविता की कवियत्री है मिस टोरू दत्त। अब हम लेते हैं सेकंड स्टेज को, इसमें क्या बताया गया है? बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, मतलब कि बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब हो गया जो एमिनेंट पॉइंट्स है, पॉइंट्स है, जो एमिनेंट पॉइंट्स, मतलब क्या हुआ, जो प्रसिद्ध कवि कवियत्री हैं, उन्होंने क्या अपना क्लेम किया, उन्होंने क्या दावा प्रस्तुत किया, मतलब उन्होंने हमेशा किस फूल के बारे में बताया कि सबसे अच्छा फूल कौन सा है? द रोज कैन नेवर टॉवर लाइक द पेन लिली विथ हर जूनो मीन। अब यहां पर एक एक वर्ड को पहले समझना है। द रोज कैन नेवर टॉवर, टॉवर का मतलब यहां पर मतलब है डियर ऊंचाई में, मतलब कि एकदम सीधा खड़ा होना, मतलब लाइक द पेन, पेन का मतलब होता है हल्का पीला, मतलब जिसका कलर थोड़ा फेड हो गया हो। नेक्स्ट इज वॉट? लिली विथ हर जूनो मीन, मतलब मीन का मतलब है अ पर्सन्स अपीयरेंस, मतलब कोई इंसान कैसा दिखता है, इसको हम क्या बोलेंगे? मीन। फिर जूनो, और जूनो का मतलब क्या है? गॉडेस नोन फॉर स्टेटली ब्यूटी, मतलब एक ऐसी प्रतिमा जिनका नाम है क्या? जूनो, एक देवी है जो कि अपनी सीधी प्रतिमा के कारण, सीधे रूप के कारण क्या है? फेमस है। आगे जूनो मियन, लिली विथ हर जूनो मियन, मतलब स्टैंडिंग स्ट्रेट विथ कॉन्फिडेंस लाइक द गॉडेस जूनो, मतलब कि जो रोज है भाई, गुलाब जो है वो जूनो मियन, मतलब जूनो गॉड के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे अपने लिली जो है, लिली के जैसे वो एकदम सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, उतनी उसकी लंबाई नहीं होती है, उतना वो टॉवर के जैसे खड़ा नहीं रह सकता है। बट इज द लिली लवलियर, लेकिन क्या इसका मतलब ये हो गया कि लिली सुंदर है? मतलब लिली क्या रोज से सुंदर है, इसका मतलब क्या ये हो गया? नहीं, आगे देखते हैं। दस बिटवीन
फ्लावर फ्रैक्शंस रैंक द स्ट्राइप इन साइकी बोर, मतलब क्या हो गया? दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शंस, फ्लावर फ्रैक्शंस का मतलब डियर हो गया ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, क्या हो गया ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, मतलब हो गया फूलों का एक ग्रुप, कहने का मतलब होता है कि नहीं। अब जैसे मान लो दो बच्चों का ग्रुप, दो बच्चों का ग्रुप बट गया, क्या भाई हमारे हिसाब से तो बाहुबली मूवी बेस्ट थी और हमारे हिसाब से केजीएफ मूवी बच्चों अच्छी थी, कोई बच्चे बोले हमारे हिसाब से किक मूवी अच्छी थी, कोई बोल रहे टाइगर जिंदा है, तो कहने का मतलब अलग अलग बच्चों का एक ग्रुप बन गया है। यहां पर क्या हुआ है, जो कि बोल रहे हैं कि भाई ये मूवी अच्छी है, ये मूवी अच्छी है, तो फाइनली कौन डिसाइड करेगा? जो ज्यूरी होगी, जो सबसे बेस्ट जिसको डिसीजन लेना आता होगा वो डिसाइड करेगा। अब आगे देखते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है फ्लावर फ्रैक्शंस, तो फ्लावर फ्रैक्शंस में भी यही बात हो रही है, जो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है रैंक द स्ट्राइप इन साइकी बोवर। अब यहां पर साइकी का मतलब दिया हुआ है लता मंडप और बोवर का मतलब है रेजिडेंस, मतलब जहां पर वो सब फूल इकट्ठे हुए हैं वहां पर एक झगड़ा उत्पन्न हो गया, वहां पर एक झगड़ा छिड़ गया, वहां पर एक वाद विवाद छिड़ गया कि भाई नहीं नहीं लिली अच्छी है, कोई बोल रहा है नहीं नहीं भाई रोज अच्छा है, तो कौन सबसे बेस्ट फूल है ये हम आगे के स्टेंजा में देखते हैं। अब थर्ड स्टेंजा में क्या बताया ये देखिए, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, बट ऑफ व्हाट कलर, रोज रेड लव फर्स्ट चूज देन प्रेड, नो लिली व्हाइट और बूथ प्रोवाइड। यहां पर लव फ्लोरा को कह रहे हैं कि आप एक काम करिए, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, कि मुझे एक फ्लावर दीजिए आप जो कि डिलीशियस है, डिलीशियस का मतलब क्या हो गया चार्मिंग, मतलब अच्छा दिखने वाला रोज के जैसा, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, जैसे कि लिली जब अपने गर्व के साथ मतलब अपने पूरे गुमान के साथ, मतलब जब कोई एकदम प्राइड के साथ मतलब खड़ा हो, तो वैसा जो फूल दिखने वाला कोई मुझे बताओ। ये देखो अपियरिंग का मतलब, स्टेटली का मतलब क्या है अपियरिंग ग्रेट, मतलब कि एकदम महान दिख रहा है, मतलब बहुत ही जो सुंदर दिख रहा है, तो उस प्रकार का मुझे आप फूल दीजिए, बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन कौन से कलर का, मतलब कलर नहीं डिसाइड कर रहा। तो पहले इसने सोचा रोज रेड लव फर्स्ट चूज, लव ने, लव कौन है क्यूपिड, कहां के देवता, रोमन माइथोलॉजी में जिनको क्या बोला गया है यहां पर लव माना गया है, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट इज व्हाट, लव फर्स्ट चूज, लव ने पहले चूज किया कि भाई मुझे तो वो फूल दीजिए जिसका कलर कैसा है रोज रेड, मतलब रेड एज रोज, मतलब कि गुलाब के जैसा लाल। दूसरा है देन प्रेड, फिर वापस चेंज किया अपना मूड और फिर बोलता है नहीं 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 रुकिए, नो लिली व्हाइट, नो लिली व्हाइट और बोथ प्रोवाइड, कहने का मतलब लिली व्हाइट का मतलब हुआ व्हाइट एज लिली, मतलब कि सफेद जैसा कि लिली का फूल होता है। और फिर आगे और कंफ्यूजन है, आगे क्या बोलते हैं और बोथ प्रोवाइड, या फिर एक काम करो दोनों मुझे, तो मतलब दोनों में से अब कौन सा, मतलब यहां पर एक कंफ्यूजन है लव को, उसको कलर फूल कैसा चाहिए जिसमें लाल कलर भी हो व्हाइट कलर भी हो जो चार्मिंग भी दिखे और एकदम उसका टॉवर जैसे हाइट भी हो, तो सारी विशेषताएं एक फूल में होनी चाहिए, तो वो कौन सा है हम लास्ट में देखते हैं। अब ये है लास्ट स्टेंजा, इसमें क्या बताया गया है लास्ट स्टेंजा में, एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड राइड एंड लिली व्हाइट द क्वीनलेस फ्लावर दैट ब्लोज, मतलब कि फ्लोरा ने लव को कौन सा फ्लावर दिया, उन्होंने फ्लावर दिया द लोटस, क्योंकि व्हाट वाज द रीजन भाई, रीजन एक ही था रोज रेड डाइड, क्योंकि उसका कलर लाल भी था एंड लिली व्हाइट द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और उसका कलर व्हाइट भी था, मतलब कि कहने का मतलब द लोटस वॉज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द फ्लावर्स, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिली, मीन्स व्हाट भाई, मीन्स एक ही, इसका मतलब एक ही हुआ कि जो फ्लावर है, जो लोटस का फ्लावर है, जो कमल का फूल है, उसमें लिली की और उसमें गुलाब की दोनों की उसमें विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए फ्लोरा ने लव को कौन सा फूल दिया लोटस का। तो इस प्रकार से ये पोम होती है आपके यहां पर पूरी। आपको इस पोम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस पर अब ध्यान देना है कि भाई ये लोटस को यहां पर इंपॉर्टेंस क्यों दी गई। अब आपको यहां पर एक बात समझनी है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पर लिली को और रोज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बनिस्पत लोटस के। और अपने देश में क्या है, भारत में आपने देखा होगा पद्मश्री, पद्म विभूषण, तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े अवार्ड्स है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, वो भी किनको दिए, उनका भी नाम किससे शुरू होता है, पद्म से, कमल से। और अपने देश का राष्ट्रीय फूल भी कौन सा है, द लोटस। तो इस प्रकार से अब आपके भी दिमाग बैठा होगा कि सबसे सुंदर फूल कौन सा है, कमल का। और आपको भी पता है कमल कहां खिलता है, कमल खिलता है कीचड़ में। तो आपको भी जिंदगी में हमेशा भले नेगेटिविटी में फैले हुए तो भी आपको वहां पर कमल के जैसे खिलना है, और सबसे बेस्ट फ्लावर कौन सा होता है, कमल का होता है।
अब देखिए मैं आपको किताब से ही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो यहां पर जो लाइन्स है वो मैं आपको बताता हूं। यहां लिखा हुआ है फॉर टोरुदत द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड अपीयरेंस। के भाई टोरुदत के अनुसार तो दिखने में और कलर के मामले में सबसे सुंदर फूल कौन सा है? लोटस का है। द पोएट डिस्क्राइब्स अ डिस्प्यूट अमंग फ्लावर्स इन द मैनर ऑफ अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। और यहां पर जो पोएट है जो टोरुदत है उन्होंने ये पूरा जो ये आपके सामने ये सीन किया है किस रूप में ये सीन क्रिएट किया, उन्होंने सीन क्रिएट किया एक कॉन्टेस्ट के रूप में कि जैसे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा है मतलब सौंदर्य प्रतियोगिता चल रही है कि भाई सबसे सुंदर कौन है। द रोज एंड द लिली आर राइवल्स टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर। और किन के बीच में ये भिंडत चल रही है, ये दोनों में मतलब ये युद्ध किस में चल रहा है? रोज और लिली के बीच में। बट फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स चूज द लोटस एज अ फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट द व्हाइटनेस ऑफ द लिली एंड द रेडनेस ऑफ द रोज। लेकिन जो फ्लोरा है वो किसको चुनती है? वो चुनती है द लोटस को, क्योंकि उसमें रेडनेस और व्हाइटनेस दोनों ही शामिल है जो कि दोनों फ्लावर्स में वो एक फूल में शामिल है। और वो फूल कौन सा है? द लोटस। एंड सो नाइदर द लिली नोर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस। तो ना तो गुलाब और ना ही लिली का फूल बराबरी कर सकता है किसकी? कमल की। मतलब कमल सबसे क्या है? सुप्रीम फ्लावर है। नेक्स्ट इज व्हाट? सिंबॉलिकली द विक्ट्री ऑफ द लोटस इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। सबसे मेन लाइन क्या भाई? ये लोटस क्यों जीता? क्योंकि ये इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर सबसे महान है ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड सिंस द लिली एंड द रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर्स। क्योंकि पोइट ने क्या माना है, जो रोज है और जो लिली है ये तो वेस्टर्न के फ्लावर्स है और जो अपना कमल है ये अपने इंडियन का फ्लावर्स है। गॉट इट? तो इसी के साथ ये पोएम होती है यहाँ पर पूरी। मैंने रिस्क भी आपके अपलोड की हुई है और माय गुड राइटिंग भी अपलोड की हुई है, तो आप उन लेक्चर्स को भी जरूर देखें। तो आप इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 12th वाले स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।